इसी में लेता हूं, घर में ले जाके रोज इबादत करते। और दूसरे चाचा ने पूछा कि करते क्या हो तुम, ये तो खेत है, ये जमीन है, क्या खोद रहे हो? कहा मैं बंदूक खोद रहा हूं। बंदूक? बंदूक की खेती मैं करूंगा, जिसने जुल्म ढाया है इंतकाम। आया साइमन कमीशन, आजादी नहीं देंगे, कुछ कुछ सुधार कर दें। अरे बका, दो मिनट इस पर संबोधन। साथियों, संदेश तो मैंने जब अपनी बात कही बतला दिया, ये देश की आजादी और प्रगति तभी कायम रह सकती है जब आप आपस में भाईचारा और एक दूसरे पर विश्वास का वातावरण बना के रखेंगे। छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, हल्के ढंग से किसी भी नेता को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जो कोई आपराधिक घटना होती है उसकी एक कानूनी प्रक्रिया बनी हुई है, कानून अपना काम करता है, लेकिन हम इस सिद्धांत के हैं कि कोई बेकसूर नहीं फंसे और जो कसूरवार है, जो गुनाहगार है, किसी कीमत पर उसकी माफी नहीं हो, लेकिन बेकसूर बेगुनाह को कोई सरकार, कोई प्रशासन या कोई राजनीतिक दल किसी बेकसूर को फंसाएगा तो शत्रुघ्न प्रसाद सिंह व्यक्तिगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पूरे समाज में शांति और भाईचारा के लिए बेकसूर के साथ रहेगा और हम अन्याय के खिलाफ में खड़े।